मात्र 12 सालों में केजरीवाल ने जीता लोगों का दिल। केजरीवाल ने कहा, हम आम आदमी के समस्याओं का करते आए समाधान। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर बने आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का इतिहास करीबन 12 से 13 साल पुराना है। इस दरमियान हमने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल की, वहीं पंजाब में भी बड़ा इतिहास रचते हुए राज्य में अपनी सरकार बनाया। फिर भी हम आपको बता दें कि हम नेता नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखते हैं और उनकी समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि आम आदमी अच्छे पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हमने मुफ्त शिक्षा को ही प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना दिया। हम जानते हैं कि आम लोग इलाज में पैसे नहीं खर्च कर सकते, इसलिए हमने मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी। हम जानते हैं कि आम आदमी बिजली बिल नहीं भर सकते, इसलिए हमने मुफ्त बिजली दी। आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है, हमें राजनीति नहीं आती, और यही कारण है कि मात्र महज 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो मुकाम हासिल किया है वह ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि इसी दरमियान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह आपने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दी थी, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता कर भेजे, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 13 लोगों के हाथ और जुट जाएं, जो केंद्र सरकार से लड़कर आपके लिए काम करवा सके। अब आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। तो आम आदमी पार्टी आज से 12-13 साल पहले बनी थी, और हमारे में से कोई नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, हमें नेतागिरी करनी, राजनीति करनी नहीं आती, हम आप ही की तरह लोग हैं, आम लोगों में से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमें पता है कि एक आम आदमी अपना परिवार कितनी मुश्किल से पालता है, एक आम आदमी अपने बच्चों को कैसे पालता है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देता है। इसीलिए हमने स्कूल अच्छे बनाने चालू किए। हमें पता है कि घर में अगर किसी मिडिल क्लास के गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है उसको, अस्पताल में इलाज कराने जाता है, सरकारी में इलाज होता नहीं था, प्राइवेट में जाता है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने अस्पताल ठीक करने चालू किए, इसीलिए हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए। हमें पता है कि बिजली का बिल जब महीने के अंत में आता है कितनी मुश्किल होती है भरने के अंदर, इसलिए हमने बिजली मुफ्त कर दी। जो एक आम आदमी की जिंदगी में तकलीफें आती है, उन तकलीफों का समाधान करने की हमने कोशिश की है, इसीलिए इतने बड़े स्तर के ऊपर जनता हमसे जुड़ती जा रही है। हमें राजनीति नहीं आती, और जनता को राजनीति नहीं चाहिए, जनता को ये गाली गलौज नहीं चाहिए। ये दिखा दिया जनता ने, दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, और जहां भी हम जा रहे हैं जनता हमारा साथ दे रही है। अब मेरी पंजाब के लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के अपील है कि 13 की 13 सीटें आप हमें जिताओ। इसलिए नहीं कि हमें कोई सत्ता का शौक है, इसलिए कि आज जिस तरह से पंजाब के लोगों पे केंद्र सरकार का आक्रमण हो रहा है, मुझे बेहद दुख हुआ जब 26 जनवरी को पंजाब की झांकी के ऊपर भगत सिंह की फोटो थी, भगत सिंह का वो था, करतार सिंह सराभा का, लाला लाजपत राय की वो गुणगान था भाई भागो, और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार होती कौन है भगत सिंह को, करतार सिंह सराभा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाली? तो ये तो एक तरह से पंजाब के लोगों के सम्मान की बात है, ये तो एक तरह से पंजाब के लोगों का बेइज्जत करने की बात है। पिछली साल जब बजट स्पीच थी, बजट का सेशन था, गवर्नर ने बजट सेशन नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बजट सेशन करने के लिए। अभी जैसा इन्होंने बताया 8,000 करोड़ रुपया पंजाब के हक का, पंजाब के लोगों का 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं दे रही। सोचो अगर 8,000 करोड़ रुपया आ जाए, कितनी और सड़कें बनेंगी, कितनी और अस्पताल बन सकते हैं, कितने और स्कूल बन सकते हैं। तो अगर आप 13 की 13 सीटें दोगे तो भगवंत मान के हाथ मजबूत होंगे। आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है केंद्र सरकार से, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है गवर्नर से, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है बीजेपी से। अगर आप 13 सीटें देते हो तो 13 इसके हाथ 13 हाथ बन जाएंगे, वो जाके लड़ेंगे दिल्ली के अंदर, वो आपका पैसा लेके आएंगे, वो ये होने नहीं देंगे कि आपका मान सम्मान, पंजाबियों के मान सम्मान के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर सके। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार
पंजाब के लोगों से नफरत करती है और आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के लिए अच्छे काम करना चाहती है, इसलिए पंजाब के लोग 13 की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताकर भेजे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।